एसपी कांगड़ा संतोष पटियाल के दिशा निर्देशों के अनुसार चलाए गए नशे के खात्मे के अभियान के तहत आज थाना इंदौरा के अंतर्गत गांव मोटहली में एक सातिर नशा तस्कर को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संदीप कुमार उर्फ अफरीदी पुत्र सुरेंद्र कुमार निवासी मोटहली द्वारा कई नौजवानों को चिट्टा सप्लाई करता था। उसकी निशानदेही पर योजनाबद्ध तरीके से नार्कोटेस्ट टीम प्रभारी अजीत कुमार, हवलदार इंद्र कुमार, गोविंद संदीप वर्मा, संतोष परसोत्तम, महिला हेड कांस्टेबल रंजना शर्मा ने मोहटली में नाका लगाकर इसे पकड़ने की कोशिश की तो वो एक पुड़ी झाड़ियों में फेंक कर भागने लगा। पुलिस कर्मियों द्वारा मुस्तैदी दिखाते हुए उसे 6.36 ग्राम चिट्टा सहित तुरंत पकड़ लिया। आरोपी के ऊपर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, ये जो आपने ये माल पकड़ाया, ये चिट्टे के साथ क्या स्टेटस को इसके ऊपर से? एसपी साहब कांगड़ा श्री संतोष पटियाल के दिशा निर्देश अनुसार नशे के विरुद्ध छेड़े गए अभियान के तहत आज बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एक व्यक्ति जो मुटली का रहने वाला है, अफरीदी संजीव कुमार उर्फ अफरीदी, ये काफ़ी दिनों से लोगों से शिकायतें आ रही थी कि ये अपने इलाके में चिट्टा बेच रहा है। हमने बहुत बार इसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब भी मिला ये हमारे को खाली हाथ मिला। आज ये चिट्टे के 6.36 ग्राम चिट्टे के साथ इसको पकड़ा है और इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके तफ्तीश लाई जा रही है अमल में। सर, ये काफी सालों से इसकी शिकायतें, तो पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? पहले इसको पकड़ने के लिए पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये जब भी पुलिस को चकमा देकर या खाली हाथ मिलता रहा। अब कैसे कामयाबी प्राप्त हुई इसका? आज काफी अलग अलग सोर्सों से हमें राउंड अप किया इसको। तो कहाँ से माल पकड़ा आपने इसका? माल इसी के पास था। कहाँ पे सर? लिफाफे में पुलिस को देख के भागा और इसने वहाँ फेंक दिया, पैदल देने के लिए आ रहा था। और कौन से मुकदमा दायर किया? ये 21 NDPS एक्ट में इसका मामला दर्ज किया। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए इंदौरा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट।